एक ही वृक्ष लगाइए, अपने जन्मदिन पर ही लगा। बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलता जा रहा है। पेड़ लगा पूछिए उससे। तो सबसे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां लगनी चाहिए, और क्योंकि हमारे बीच में पहली बार थाना प्रभारी महंत मनियारी का आगमन हुआ है, और ये लोग मेहनत करते हैं, अचीव करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं और एक अच्छे ऊंचाई को छूते हैं। नए बच्चों के लिए, नए लड़कों के लिए सीख भी है, मैसेज भी है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि पर्यावरण को लेकर के कुछ नया, कुछ अलग किया जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल जीना है तो जी जमाने के लिए। इस जीवन में दुनिया के लिए जिएंगे तभी आप अमर बन पाएंगे, तभी लोग आपको अलग नज़रिए से जो है देखेगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बड़े भाई थाना प्रभारी सर से कि आप सर अपनी जगह ले लीजिए पहले, तब हम लोग शशि रंजन जी अभी आ जाइए, एक साथ आ जाइए। ये दोनों हमारे आज के चीफ गेस्ट हो गए, और मोबिन भाई आप एक मिनट इधर आइए, अभी इधर आइए। इसको लेके यहाँ पर खड़े रहिए। मैं मन्नान चाचा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और मेडल सबसे पहले जो है हमारे थाना प्रभारी सर को पहना करके उन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा जो है जिस देश में हम लोग रहते हैं उसकी संस्कृति है। मेडल लीजिए, ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हैं। एक तालियां तो कम से कम लगनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आचार्य महानंद तिवारी सर से कि अगर पाँव अगर ठीक है सर, ठीक है मिस्टर सर, आप आइए बुक दे करके सर को सम्मानित कीजिए। सर की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अब मैं करता हूँ, अब इस मंच पर मैं बुलाना चाहता हूँ उमर अहमद साहब को, जो कि हमारे अंकल है, शशि रंजन जी को मेडल देकर सम्मानित किया। कभी कभी मौका मिलता है, फायदा उठा लेना चाहिए। ये हमेशा खास बात का है कि हमेशा लुंगी में रहते हैं, बड़ा देसी स्टाइल है, कोई बात नहीं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मनोज जी से अब जो दूसरा सेशन हमारा हो गया, ये सम्मान समारोह हो गया, अब दूसरी बात करेंगे लोकार्पण। हमारे जो ऑपरेटर साहब हैं सज्जाद भाई, आप आजी आप आइए थोड़ा ऑपरेट कर लीजिए आप, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग फोटो सेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सर इसको देखा जाए, मनोज जी आ जाइए आप भी, मिस्टर सर आप भी आ जाइए, इनाम उलक साहब आप आ जाइए आगे। इसका बैनर है, ऐसा करें तो फोटो सेशन एक हो जाए, अगर न्यूज पेपर वाले कहीं रहम आ जाएगा तो दे देगा। सर रिलीज कीजिए, दोनों आदमी सर संयुक्त रूप से, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्लिक करने हो जाए सर। तो आप भी सर हाथ पकड़ लीजिए कम से कम, नाव के लिए गाओ। एकता का प्रतीक है पानी, गजल है पानी, गीत है पानी, शायद हो चाहे कोई ब्राह्मण, सबके मन का मीत है पानी। करोगे पानी से तुम प्यार, बनेगी दुनिया ये
गुलजार। ये पानी बोलता है, ये पानी बोलता है, ये पानी बोलता है, ये पानी बोलता है। मैसेज पर्पस होता है, मेरा मैसेज जाना चाहिए था और सर के माध्यम से ये जो है चीज़ें रिलीज की गई और हम चाहेंगे कि विचार गोष्ठी हो जाए और उसके बाद जो है वृक्षारोपण हो जाए। और सुजीत जी नाश्ता का जो हमारा जो मक्के की छिलके वाली जो कटोरी है उसमें नाश्ता का इंतजाम करवा दीजिए। याद रखें आपके मुखिया साहब भी हैं कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जवाबदेही बनती। तो दोस्तों बात को हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दो मिनट के लिए मात्र स्कूल के प्राचार्य मिस्टर सर जो कि हमारे पिता है उनसे हम दो मिनट मात्र वक्त लेंगे और इसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और चूंकि जो होता है बाप माँ का एक अहम रोल होता है, जब हम बीटेक और एमटेक करके जब सर हम लौटे गाँव देख रखा है सब लगा मजाक उड़ाना, मकई के छिलका से हम खेला करते थे, है ना, सब बहुत टॉर्चर करता था। कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि नाज भाई आप नाम जो है ना बाप बाप का नाम जो है बर्बाद करके आप रख दीजिएगा, सब कमाता है और आप जो है लुटाने पर लगे रहते हैं ना। लेकिन बाप माँ का जो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं रखता हौसला ये समंदर मुझे डुबोने का, किसी के आंसू के कतरे में बह जाऊँ वो अलग बात है। आइए मिस्टर से दो चार शब्द। आदरणीय शशि जी, थाना प्रभारी महोदय, आगंतुकों, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, हम सबों का दिल की अनेक गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर ये छोटा सा जो है प्रोग्राम रखा गया है जिससे सबों तक मैसेज आए कि एक्चुअली पर्यावरण है क्या। ऐसे शुभ अवसर पर पेड़ पौधे लगाने का जो है इंतजाम किया गया है ताकि हमारे क्लाइमेट पर जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़े, जो हमको ऑक्सीजन मिल सके और जो दिन ब दिन जो है इस धरती का जो हरारत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघलता जा रहा है और समंदर के पानी के लेवल को ऊँचा करता हुआ जा रहा है, यदि यही रेशियो अगर रहेगा तो आने वाला समय जो है बहुत ही भयानक है। उस पर अंकुश लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस पर्यावरण का जो है सही ढंग से सम्मान किया जाए और पेड़ पौधे लगाकर जो है इसकी टेम्परेचर को जहाँ तक हो सके हम उसको जो है सहयोग करें और टेम्परेचर कम से कम हो। तो इसी के लिए जो है इस प्रोग्राम का जो है इनकार किया गया है, हम इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग अपना कीमती से कीमती वक्त देकर यहाँ तक पधारे। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब बात शुरू करता हूँ एक शेर के साथ के, साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते। बड़ी बेहतरीन चीज़ मैं रख रहा हूँ सर, बतौर खास दोनों आदमी एक साथ, साथ न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के हाथ से लम्हे नहीं छूटा करते, और कौन कहता है मेरा सपना टूट गया, टूटती नींद है सपने नहीं टूटा करते। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहेंगे कि प्रदेश में महामंत्री हमारे शशि रंजन जी जो कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं और ये जब कम है तो मैं यही कहूँगा कि मालिक इनको लंबी उम्र दे और सेहत दे, और ये पद कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपका मिजाज किस तरह का है, आप कितना ऑनेस्ट है, कितने ईमानदार हैं। आज राजपुर के इस पावन धरती पर मित्रनाथ जी, मिस्टर सर, मनोज भाई तिवारी सर, सारे जी, अनिल जी, मनियारी थाना के जसवी थाना प्रभारी 10 महीने से जिनके नेतृत्व में मनियारी थाना के अंतर्गत सारा ग्रामीण क्षेत्र अनुशासनात्मक रूप से चल रहा है, इसे अग्रज मित्रवत माकांत जी ये विचार गोष्ठी का संवाद है, सबसे बड़ा विषय है। ये जो सीजन चला है पूरे देश में हमारे मतलब अखिल काल में या मेरे माताजी पिताजी बताते हैं कि अब तक की सबसे भीषण भयंकर गर्मी थी। उस भयंकर गर्मी में ये महत्व सबके सामने दर्शा गया कि जहाँ
वृक्ष और पौधे रहेंगे वहाँ का टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप देखेंगे कि नैनीताल परसों हमारे एक परिचित हैं अंजलि जी जदयू के प्रदेश महासचिव हैं माननीय सुनील साहब की बड़ी फैमिली है सब परिवार नैनीताल गए हुए उन्होंने एक वीडियो डाला नैनीताल जहाँ गर्मी में भी ठंडा ठंड लगता था उस नैनीताल में लोगों को पसीना आ रहा है। समझिए कि जहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जहाँ हरी भरी बागियों को औद्योगिकरण के रूप में बिना उसका एक पाया प्रोटोकॉल उसका उपाय के पेड़ों को काटा जा रहा है उसी का परिणाम है कि बिहार अपने मुखार बिंदु से उस गाने को पानी के महत्व को समझाया है। और बहुत तो नहीं देखिएगा एक बड़ा आप लोगों के समय में एक नेता हम लोग के सामने आए माननीय शिवराज सिंह चौहान आप उनको पढ़िएगा मुख्यमंत्री थे तो भी एक पेड़ लगाते थे उन लोग और मुख्यमंत्री जब वो हटे मतलब मुख्यमंत्री का दायित्व किसी और को मिला उन्होंने केवल सरकार से एक मांग की अपने सरकार से मुझे वो सरकारी जगह चाहिए और सरकारी जगह इसलिए चाहिए कि मैं प्रतिदिन एक पेड़ लगा सकूँ। सोचिए उस व्यक्ति का विचार कितना बड़ा है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने भी पेड़ लगाया और मुख्यमंत्री से जब वो हटे बड़ी जिम्मेदारी से तो उन्होंने सरकार से केवल एक मांग किया कि जमीन आप उनको पेड़ रोकने के लिए दीजिए हम वृक्ष रोकेंगे हम उसकी देखभाल करेंगे आगे वो पूरे मध्य प्रदेश को छाया दें। इसलिए उनका एक हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जहाँ तक मौका मिल सके इस आधुनिकता के उथल पुथल की ज़िंदगी में कि पेड़ पौधों को अगर हम कुछ फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो नुकसान नहीं देंगे हमारा प्रयास तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपने मुखार बिंदु से एक संदेश भी दिया है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने जीवन काल भी किसी जन्मदिन उपलक्ष्य में इंजॉय करते हुए आधुनिकता में नहीं जाइए सब कुछ करिए लेकिन उसने कहा कि एक समय निकाल दीजिए वृक्षारोपण के लिए इससे आने वाला कल आपके नियम को देख सकती आपने छाया गुरु का निर्माण किया इन्हीं शब्दों के साथ परिणाम बहुत सुंदर सर बहुत खूब अभी शशि जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में जो उन्होंने कहा कितना खूबसूरत बात कही इन्होंने। अब मैं भी एक छोटी सी बात कह दूँ कि मैं भी अपने 2017 से मैं पर डे मतलब हर जन्मदिन पर अपने एक पेड़ लगाता हूँ 2017 से मतलब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं 2017 के बाद मुझे होश आया लेकिन उर्दू की एक लाइन है ना कि जब जागो तब सवेरा ऐसा कुछ है लाइन तो मैंने सोचा कि चलिए भाई जो उससे पहले हुआ जो हमारी गलती थी अब जाग गए हैं कम से कम आज मैं उस पेड़ का फल खाता हूँ बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। तो आप लोग भी कुछ कीजिए आए हैं समय दे रहे हैं वक्त दे रहे हैं डेफिनेटली कुछ सीख करके जाइए। पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती और दिल में क्या है बात वो बात नहीं समझती और अकेला तो चांद भी है सितारों के बीच लेकिन चांद का दर्द ये रात नहीं समझती। हमारे प्रभारी साहब इनका दर्द समझना बहुत मुश्किल है हर एक आदमी को लगता है कि भैया जो डबल स्टार है ना और मतलब दो तीन बॉडीगार्ड ये वो है तो बड़ा मज़ेदार लाइफ है लेकिन बड़ी जो है संघर्ष वाली ज़िंदगी होती है बड़ा टेंशन वाला लाइफ होता है। और यकीन मानिए इससे पहले ही प्रोग्राम में मैंने इनको इन्वाइट किया था उसमें पद्मश्री किसान चाची आई थी उसमें सर फेल हो गए इत्तफाक से कहीं बिजी हो गए व्यस्त हो गए होंगे लेकिन चलिए आज आ गए हैं। तो चलिए सर दो चार सब सर इन्वायरमेंट को लेकर के बैठिए नाश्ता करके जाना है हम लोग आधुनिकता के तरफ बढ़ने लगे हम लोग को सुंदर सुंदर कुर्सी चाहिए टेबल चाहिए इसकी जरूरत इसीलिए इस दिवस को खास बनाया गया कि 5 जून को इसलिए कि हर साल याद दिलाया जाए कि देखिए वृक्ष कितना जरूरी है। एक अच्छी बात है कि इनका जो एल्बम रिलीज हुआ पानी को लेकर बहुत स्थिति देश की अच्छी नहीं है 14-15 की घटना बता रहे हम लोग अक्सर एग्जाम में व्यस्त रहते थे आते जाते थे तैयारी के पीरियड हम लोग सिकंदराबाद जा रहे थे एग्जाम देने आपको बता दें कि साप्ताहिक ट्रेन थी कामाख्या एक्सप्रेस उसमें टोटल 3 आदमी मिल के हम लोग 16-17 तक का केवल पानी खरीद के गए थे सिकंदराबाद पहुँचने तब से मैं अपने थाना परिसर में भी जब मोटर चलते रहता है पानी गिरते रहता है तो अब देखते हैं कि पानी गिरा बस हम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा हम चिल्ला देते हैं अपने स्टाफ को भी क्यों पानी गिरा और नहीं तो अपने से खुद से जाकर उस मोटर को बंद कर देते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है सेव वाटर सेव लाइफ।
और वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी। आपके जिला की हम बात बताते हैं, जब हम लोग कांटी में जब मेरी पोस्टिंग थी वहाँ इतनी गर्मी नहीं थी, इस वर्ष के भी बात बता रहे हैं मुजफ्फरपुर के और एरिया से टेम्परेचर कम रहा है कांटी में। उसका एक ही कारण है कि वहाँ लीची के जो बागान है बहुत सारे वृक्ष हैं, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर नियंत्रित। आपके अपने जिला के बात बता रहे हैं तो इसलिए सब लोग से विशेष आग्रह है कि आप लोग वृक्षारोपण जरूर कीजिए। एक ही वृक्ष लगाइए, अपने जन्मदिन पर ही लगाइए, आपके बच्चे के ही जन्मदिन पर लगाइए। पर क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही सर, बिल्कुल। बाकी ये मेरा थाना क्षेत्र है, मैं यहाँ का थाना अध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात जरूर बोलता हूँ कि मेरे पास वाजिब काम के लिए बिना संकोच के बिना पैरवी के तुरंत, उसके लिए आपको कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है। बस दो तीन चीज छोड़ के मत आइए, गांजा दारू पिस्टल, ये मेरा जानी दुश्मन। मैं इस तरह के लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता हूँ पैरवी के छोड़ दीजिए। हमको गुस्सा और आता है जब लोग आ जाते हैं पैरवी करने से, हम उससे ज़्यादा उसको दोषी मानने लगते हैं कि इसी तरह के व्यक्ति द्वारा समाज में इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीन दो चार लोगों को छोड़ कर देखिए, समाज में 2% लोग, हम लोग कभी भी प्रशासन में कभी 98% लोगों पर कभी ध्यान ही नहीं रखते, केवल 2% हम लोग जानते हैं कि ये 2% को अगर हम ठीक कर देंगे तो मेरे 98% लोग अच्छी से जीवन एकदम व्यतीत करेंगे शांति से। इसलिए टोटली का टोटली ध्यान 2% लोगों पर सीखता है, उस 2% लोगों को तो मैं खोजता हूँ। बाकी मेरी शुभकामना है न्याय जी के साथ ही और आगे बढ़े जीवन में। इनके बारे में सुने कि वो मक्का के पराली से जो बनाने का इनको मिला है सरकार के तरफ से प्रोत्साहन, वो अच्छी चीज़ है। इस तरह इतना बड़ा एजुकेशन लेकर सही बात बोले कि गांव में लोग गिने नहीं, ये तो बढ़िया डिग्री लेके नहीं जी पा रहे थे। हम लोग तो छोटा ही डिग्री रखे थे, ग्रेजुएट पीजी थे, डरे फटना गांव से, मैंने फटना से गांव जाने में डर लगता था कि क्या कहेंगे जाने में, बाप के पैसा है उड़ाल, इतना ही सुनने को मिलता था। जिधर से गुजरेंगे ये सुनने का बात बहुत टफ चीज़ है, उसमें गार्जियन का सपोर्ट। आजकल देख रहे हैं आत्महत्या के संख्याएं बढ़ती जा रही है स्टूडेंट में, उसका एक ही कारण है गार्जियन का अपना मनमानेपन बच्चे पर थोप दे। अरे भाई उसको नहीं पढ़ने के विचार है, मत नहीं पढ़ेगा, जीवन में दूसरा कुछ करेगा, खेलेगा, उसमें अपना लाइफ देखेगा, बिजनेस में अपना लाइफ देखेगा। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, तुम स्कूल ही जाओ, तुम नीति ही करो, ये ज़बरदस्ती अच्छी बात। बच्चे सबको उसके मिजाज से पढ़ने दीजिए, वो बीटेक करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है कि अदर फील्ड में जाना है, इस बात को ध्यान रखें। नहीं तो जिस तरह से आप हर बार नीट के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोटा जैसे शहरों में आपको मिलेगा देखने को कि कितने बच्चे आत्महत्या, केवल प्रेशर है वो और कुछ नहीं है, झेल नहीं। तो चलिए अगला कार्यक्रम वृक्षारोपण का है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्रसाद स्वरूप जो है मुंह मीठा करते हुए जरूर जाइएगा, ऐसे जाइएगा तो ठीक बात नहीं है, फिर अगले दिन जो है प्रभारी साहब को भेज देंगे रिक्वेस्ट करके। तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और वृक्ष कहाँ है लेके आया जाए, बाल्टी में पानी भी ले लीजिए साथ सर, पेड़ कहाँ है नहीं। और दोस्तों आपका जो आज का जो वक्त लगा कैसा लगा, वक्त बर्बाद गया या फिर कुछ काम की चीज़ें हुई है क्या? तो एक बार जोरदार तालियां एनर्जी के साथ ऊर्जा के साथ लगनी चाहिए। ये कटहल का पेड़ है, रहे ना लता मंगेशकर ने कभी गाया था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सभा, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम लोग रहे ना रहे लेकिन जो है पेड़ जो है यहाँ पर मिलेगा। अब कैमरामैन सही से करते रहोगे, एक बाल्टी में पानी ले लीजिएगा बुआ, आई ना सर जग, जग ले लीजिए बुआ, एक मग जग 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 ले लीजिएगा, जग में पानी ले लीजिए। कहाँ है गड्ढा, अरे आ जाइए, आपका सबसे ज्यादा मेहनत है, आप आ जाइए।
ना ना इसको हटाया सही डाल दिया इसको सही दे दिया। अच्छा पंडित चला फोटो भी लेते रहोगे राशि ठीक है। फोटो भी लेने आता है वीडियो करते हो फोटो लेने आता है जी। हमको गाली से मिट्टी भर देंगे सब लोगों को दीजिए सब लोग कोई भी आदमी छूटे नहीं गाड़ी के पास ही भेजवा दीजिए गाड़ी के पास भेजवा दीजिए सर गाड़ी के पास भी रखिएगा का फैक्ट्री सामने बन रहा है फैक्ट्री प्लस रिसर्च सेंटर प्रेम जी आए थे एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है देखिए हम वहाँ कर रहे हैं राजा रहे हो जाते हैं ना सर ये हमारी भांजी है सुधीर जी देख लीजिए कोई छूटे नहीं सर और ले गया हेलो भैया अभी बिजी हैं बात कीजिए आप थोड़ा पढ़ती है जामिया में जब मिठाई